हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग नींबू पानी के फायदे के बारे में ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि नींबू में विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में अक्सर नहीं जानते, क्योंकि हमें लगता है कि नींबू पानी पीने से हमें किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जबकि एक सिर्फ एक मिथ है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को नींबू पानी के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बताऊंगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा जो मैं बातें आप लोगों को बता रही हूँ। अगर इस बातों को फॉलो करते हैं तो आगे चल के आपको किसी भी तरह की कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो साइड इफेक्ट आपको नींबू पानी का देखने को मिलता है वो है दांतों में ठंडा गंध का लगना या सेंसिटिविटी का हो जाना। जी हाँ, क्योंकि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, जिसकी वजह से हमारे दांत जो होते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं। तो अगर आप नींबू पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या पानी में नींबू की मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों बाद आपके दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, उनमें ठंडे गंध की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, नींबू पानी का इस्तेमाल कम कीजिए या पानी में नींबू की मात्रा को कम ही रखें। तो जी हाँ दोस्तों, दूसरी चीज़ जो आपको देखने को मिलती है साइड इफेक्ट के रूप में, वो है सीने में जलन या एसिडिटी का हो जाना। जी हाँ, अगर आपको एसिडिटी है, आप बहुत ज्यादा खट्टे डकार या गैस इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप नींबू का इस्तेमाल बंद कर दें, या बोलो नींबू पानी अगर आप पीते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में पिए। इससे क्या होगा, आपके में जो बॉडी में या एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। यहाँ दोस्तों, तीसरा जो है मैं बोलूँ जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, पेट का खराब हो जाना। जी हाँ, हम अक्सर खाना खाने के बाद खाने को डाइजेस्ट करने के लिए नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नींबू में जो साइट्रिक एसिड होता है वो हमारे खाने को पचाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इसके फायदे होने के साथ इसके साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं, अक्सर हमारा पेट खराब हो जाता है। तो उससे बेहतर ये है कि आप खाने में नींबू को शामिल करिए, आप दाल में, सब्जी में, इस तरीके से सलाद में मिलाकर नींबू खाते हैं, तो आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, चौथा साइड इफेक्ट जो साइड इफेक्ट है वो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, और अगर आप इस बात का ध्यान रखते तो आपको चल की प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ, किडनी एंड गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम होना या उसमें स्टोन हो जाना। जी हाँ, क्योंकि नींबू में एसिडिक लेवल एंड ऑक्सीडेट भी होते हैं, जो कि जरूरत से ज्यादा शरीर में जाकर के क्रिस्टल बना देते हैं। जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं क्रिस्टलाइज या ऑक्सीडेट होकर के किडनी में स्टोन बन जाते हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो नींबू पानी का इस्तेमाल, जैसे मैंने कहा, कम से कम करिए। और पांचवी जो प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा आम है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम। जी हाँ, गर्मियों में वैसे भी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी का सेवन करते हैं तो जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो आप कोशिश करिए नींबू पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। तो जी हाँ दोस्तों, ये कुछ साइड इफेक्ट है जो आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि नींबू पानी के फायदे नहीं, नींबू पानी के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर आप एक लिमिट में रहकर उसका यूज करते हो तो आपको उसका बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर जरूरत से ज्यादा आप किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो उसके आपको बाद में साइड इफेक्ट ही देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप सही तरीके से नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसके फायदे ही देखने को मिलेंगे। और मेरे जो आपको जो साइड इफेक्ट बताए, अगर आप इस बातों को ध्यान में रखते हैं तो आगे चल के आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का एक वीडियो पसंद आया होगा और मेरी जो टिप्स आपके लिए यूजफुल रही होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।